हेलो फूडीज, आई एम शुभ्रा। स्वागत है आपका मेरे चैनल सैलड एंड फूड बाय शुभ्रा में। आज की चटपटी रेसिपी है इमली की चटनी, टैमरिंड चटनी। इमली की चटनी तो ऐसी है ना कि बस इसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। भले ही चटनी की बहुत सारी वेराइटीज हों, लेकिन इमली की चटनी के बिना दही बड़े का मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता। और जो स्ट्रीट स्टाइल आप भेल खाना पसंद करते हैं ना, उसमें भी इमली की चटनी ही डाली जाती है, तभी वो बहुत चटपटी और मज़ेदार बनती है। तो चलिए बनाते हैं इमली की चटनी। इसे बनाने के लिए एक बाउल में हम लेंगे 500 ग्राम टैमरिंड और इसे सोक कर लेंगे ड्रिंकिंग वाटर में। हम पानी इसमें उतना ही डालेंगे ताकि सारी इमली इसमें डूब जाए और इसे ढककर 3 आवर्स के लिए सोक होने देंगे। अब भीगी हुई इमली का आउटर पार्ट जो हार्ड है और सीड्स है, उसे कुछ इस तरह से मैश करते हुए निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा गाढ़ा पल्प रेडी हो गया है। अब एक बॉल के ऊपर छन्नी रखते हुए हम सारा पल्प इस तरह से छान लेंगे और रिमेन पल्प में भी हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसे भी छन्नी में ऐड कर लेंगे। अब पल्प को छानने के लिए हम स्पैचुला से कुछ इस तरह से घुमाएंगे, प्रेस करते हुए और घुमाते हुए सारा पल्प छान लेंगे। अब देखिए, हमने इमली बहुत ही अच्छी तरह से सोक की थी तो इसका पल्प भी बहुत अच्छा रेडी हो गया है, काफ़ी थिक है। अब एक डीप कढ़ाई में हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल गर्म हो जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून क्यूमिन सीड्स यानी जीरे का लगाएंगे तड़का। जीरा जब स्प्लटर होने लगे और कुछ ऐसा ब्राउन कलर हो जाए फ्राई होने के बाद, तो ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून क्रश्ड जिंजर गार्लिक और इसे भी हिलाते चलाते हुए हम गोल्डन फ्राई करेंगे और टेम्परेचर मीडियम ही मेंटेन करेंगे। अब ये गोल्डन फ्राई हो चुका है तो ऑलरेडी हमने जो टैमरिंड पल्प यानी इमली का पल्प रेडी करके रखा था वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। मिक्स कर लेंगे। यदि आपको इमली की चटनी गाढ़ी बनानी है तो इसमें एक्स्ट्रा पानी मत ऐड कीजिएगा। अब इसमें ऐड करेंगे 300 ग्राम जैगरी यानी कि गुड़। वैसे तो इमली की चटनी थोड़ी सी खट्टी और मीठी ही अच्छी लगती है, लेकिन आपको मीठा थोड़ा ज़्यादा पसंद है तो उस हिसाब से आप गुड़ एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसे बॉयल होने देंगे और बीच बीच में इसे हिलाते चलाते रहेंगे, टेम्परेचर मीडियम ही मेंटेन करेंगे। बॉइलिंग स्टार्ट होने पर हम ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून रोस्टेड क्यूमिन सीड्स पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट, ऐड करेंगे हींग। अब सारे मसाले को टैमरिंड चटनी में मिक्स कर लेंगे और तब तक बॉईल करेंगे जब तक कि ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। अब इमली की चटनी गाढ़ी हो चुकी है तो हम इसे इंडक्शन से उतार कर साइड में रख लेंगे और कूल होने देंगे। कूल होने के बाद आप देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, इसका गाढ़ापन खूब अच्छा आया है। इमली की चटनी ऐसी ही गाढ़ी होनी चाहिए। आप इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। इमली की चटनी पकोड़े के साथ, दही वड़े के साथ बहुत ही चटपटी लगती है और आप चाहें तो भेल में भी ऐड कर सकते हैं, बहुत ही चटपटी और टैंगी लगती है। ये इमली की चटनी इतनी टैंगी है, इतनी स्पाइसी है, बहुत ही टेम्प्टिंग है। ईट एंड एन्जॉय। इमली की चटनी श्योरली आपको पसंद आई होगी।
तो मेरे चैनल सैलड एंड फूड बाय शुभ्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसी ही मैं कुछ इनोवेटिव रेसिपी का आइडिया आपके लिए लेके आती रहूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट रेसिपी।